गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने आज देवाल विकास खंड के सवाड़ गांव पहुंचकर 17वें अमर शहीद मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मेला अध्यक्ष आलम सिंह बिष्ट ने अमर शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित करने और सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय के संचालन की मांग करते हुए सांसद बलूनी को मांग पत्र सौंपा, जिस पर सांसद बलूनी ने कहा कि सवाड़ में जल्द से जल्द केंद्रीय विद्यालय का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके तहत ही उन्होंने सवाड़ में संग्रहालय के विस्तार के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसी क्रम में थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने भी मेले के आयोजन के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। बता दें कि वीरभूमि से जाने वाले सवाड़ गाँव से 22 सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिनमें से 2 सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में 38, पेशावर कांड में 14, स्वतंत्रता संग्राम में 17, भारत बांग्लादेश युद्ध में 28, ऑपरेशन ब्लू स्टार में 15 सैनिकों ने भाग लिया, जो कि सवाड़ के इतिहास को गौरवपूर्ण बनाता है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। विधायक जी को हमारे जिलाध्यक्ष जी को कहा है, आसपास के जितने गाँव है उनकी सड़कों का सब जानकारी मुझे दे दीजिए। पिछले दिनों मैंने वन विभाग से और यहाँ जिलाधिकारी जी से बात करके लगभग 84 ऐसी सड़कों के बारे में पता किया जो वन विभाग की आपत्ति के कारण रुकी है। मैं आप लोगों को आज यहाँ सवार से कह के जाता हूँ, 84 में से 83 नहीं 84 सड़कें पार होंगी और सारी की सारी सड़कें। म्यूजियम बनाया है वीर सैनिकों के लिए। मैं आज अपने सांसद निधि से 10 लाख रुपए इसके पूरे विस्तार के लिए देने की घोषणा करता हूँ। और आयोजकों ने भी बताया है कि इस हमारे म्यूजियम में रखने के लिए कुछ सैनिकों का जो सामान होता है, जैसे पुरानी राइफल्स हैं, पुराने टैंक है, पुरानी मोटर है, जो जो चाहिए मैं आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर भारत सरकार से बात करके जो भी जो आपूर्ति यहाँ करनी है वो सब की जाएगी। मैं आप लोगों के बीच निरंतर बना रहूंगा, फिर दोबारा सवाड़ गाँव आऊंगा, यहाँ के केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करने बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आऊंगा। अपेक्षा है सरकार से, बहुत बड़ी अपेक्षा है, क्योंकि ये पूरे भारत में पहला गांव है और ये पहला गांव आज तक पिछड़ा हुआ है। इस हमारे इस गांव में आप देख रहे होंगे कि आज 7 साल से हम लोग एक केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रहे हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में जो केवी संगठन जो कह रहे थे सरकार के मानकों के आधार पर, उनने जो भी मांग हमसे मांगी पत्रसार के, हमने वो पूरा करके दिया। औपचारिक रूप से यहाँ पर जो है 15 टीन शेड बोलते हैं, खाली 3 तो बाहर से हवा पानी रोकने के लिए है, लेकिन अंदर उनकी पूरी लकड़ी और पलाई से बना हुआ है, और वो भी वो बना के दे रखा है, और वो भी कृषि भूमि हमारी है, और 103 नाली हमने केवी के नाम से रजिस्टर कर दी है। जितनी भी औपचारिक नहीं होती है वो सारी हमने करने के बाद भी आज भी हम तरस रहे हैं, आज भी हम लड़ रहे हैं, आज भी हम सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। मैं वडनी जी से यही चाहूँगा कि पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माणा गांव आए थे, उनने इस गांव को जो है उस गांव को गोद लेकर के देश का पहला गांव बना दिया है। मैं माननीय सांसद जी से चाहता हूं कि इस गांव को भी गोद लेकर के वो इस गांव का विकास करें, और इस गांव के जो हमारे पिछड़ा हुआ गांव है इसका विकास हो, यहां साधन शिक्षा का हो, यहां रोड का हो, पानी का हो, बिजली का हो, और सारे साधन यहां हो जाए, तो हम इसी के लिए माननीय वडनी जी का बहुत बहुत आभार।